रतलाम शनिवार को पुराने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता के दौरान सीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना स्टेशन रोड थाने पर सूचना मिली थी कि 28 अक्टूबर की रात में कृषि उपज मंडी के सामने खड़ा 235 क्विंटल सोयाबीन से भरा ट्रक अज्ञात आरोपियों द्वारा चोरी किया गया। चोरी हुए ट्रक सहित उसमें रखी हुई सोयाबीन की कीमत 26 लाख रुपए थी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने स्टेशन रोड थाना प्रभारी सालाखेड़ी चौकी की संयुक्त टीम का गठन किया। टीम को सूचना मिली कि चोरी किया गया ट्रक सैलाना से 2 किलोमीटर आगे बोदीना रोड पर रोड के किनारे खड़ा है। इस पर सहायक उप निरीक्षक यादव प्रधान आरक्षक शिवम नामदेव ने ट्रक मालिक सलीमुद्दीन के साथ बोदीना रोड पर आ गए थे, जहां उक्त ट्रक खाली मिला। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी किए गए ट्रक में से सोयाबीन धाकड़ वेयर हाउस के पास मदनलाल धाकड़ के गोडाउन में छुपा कर रखी हुई है। इस पर सहायक उप निरीक्षक यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर से सूचना से अवगत कराया। पुलिस द्वारा मदनलाल धाकड़ के सेजावदा स्थित वेयर हाउस में दबिश दी गई। पुलिस द्वारा सोयाबीन के बारे में पूछे जाने पर मदनलाल ने अनिल पिता रूप सिंह निनामा भील उम्र 19 वर्षीय निवासी ताराघाटी थाना सरवन से खरीदना बताया। मामले में पुलिस ने मदनलाल पिता बालाराम, अनिल पिता रूप सिंह उम्र अमन, पिता सुनील केतवास और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। सर ट्रक कटिंग मामले में पकड़ा है आरोपी, कौन है ये? 28 अक्टूबर की घटना थी। ये संजय जैन फरियादी ने सालागढ़ी चौकी जहाँ पर रिपोर्ट किया था कि एक किराए का टाटा कंपनी के ट्रॉले में इसका लगभग 235 क्विंटल सोयाबीन था, जो कि टोल टाके में तुलवा करके इसको बेचने के इरादे से इसको अपने कृषि मंडी के सामने ड्राइवर ने रख दिया था 11:30 बजे रात में, जो कि सुबह जाके देखा तो वहां से गायब हो गया था। तो ये चोरी की सूचना इन्होंने चौकी पर दी, जिसके पश्चात सूचना मिलने के बाद में टीम का गठन किया गया, जिसमें सालागढ़ी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नागेश यादव और उनके हमरा एसआई यादव और इनकी टीम के द्वारा इसमें तस्दीक की गई, जिसमें मुखबिर सूचना मिलने पर ये सैलाना बोदीना रोड पर एक खाली ट्रक मिला, ऐसी कोई सूचना मुखबिर से मिली, जहां पर जाके तस्दीक किया मैं ड्राइवर के को ले जाकर के, तो वही चोरी का ट्रक उनको वहां पर मिला। उसके बाद पुनः एक सूचना मिली कि जो सोयाबीन भरा हुआ था ये मदनलाल धाकड़ निवासी सेजावता इनके धाकड़ वेयर हाउस में रखा हुआ है, वहां जाके तस्दीक की तो सोयाबीन वहां पे मिला, जो कि मदनलाल धाकड़ से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अनिल पिता रूप सिंह निनामा ये ताराघाटी सरवन का है, इससे इन्होंने खरीदना बताया, लगभग 3 लाख रुपए में इन्होंने खरीदना बताया 235 क्विंटल सोयाबीन। उसके पश्चात अनिल की तफ्तीश की गई तो अनिल भी मिल गया। अनिल से पूछताछ करने पर इसने पूरी घटना का बताया कि इसने अमन पिता सुनील केतवास, ये अंबिकानगर रतलाम का रहने वाला है,